हेलो फ्रेंड्स आई एम प्रतिभा एंड अगेन वेलकम टू टीचिंग चैनल आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बी फर्स्ट सेमेस्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो है भाषा के विभिन्न रूप एवं महत्व यानी कि टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ठीक है कितने टाइप्स की हमारी लैंग्वेज होती हैं और उनके क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर होने वाला है ये जो टॉपिक है ये पाठ्यक्रम में भाषा यानी कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो कि हमारा पेपर थर्ड होता है बी एड फर्थ सेमेस्टर में उसका ये टॉपिक है ठीक है तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर sure आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा के विभिन्न रूप एवं महत्व के ऊपर कि आखिर भाषा जो होती है उसके कौन कौन से रूप होते हैं और उसी के अंदर हम उसके को भी बताएंगे ठीक है अगर आपको में इस असाइनमेंट प्रिपेयर करने के लिए मिलता है तो आप किस तरीके से उसे प्रिपेयर कर सकते हैं आप यही कंटेंट जो है वहां पर ले सकते हैं ठीक है उसके लिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज को एक्सप्लेन करना होगा उसके इंपोर्टेंस को एक्सप्लेन करना होगा तब जाकर के आप इसको इस वाले टॉपिक को ले सकते हैं उस और जो लैंग्वेज और उसके इम्पोर्टेंस के ऊपर के जो वीडियोज हैं वो हमने अपने चैनल पर पहले ही अपलोड करी है ठीक है तो देखते हैं यहाँ पे कि भाषा के भिन्न रूप हमें भिन्न भिन्न भिन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं संसार की समस्त भाषाओं को मुख्य रूप से सात वर्गों में रखा गया है ठीक है यहाँ पे ये आपका टेट वगैरह का जो है क्वेश्चन भी है कि अगर आपको पूछ दिया जाए कि जो हमारी लैंग्वेज है उनको कितने भागों में या कितने वर्गों में उसे डिवाइड किया जाता है तो तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो है पे इसका आंसर सात वर्गों में यहां पे रखा गया है फर्स्ट है इसमें मातृभाषा सेकंड है मूल भाषा नेक्स्ट है संस्कृति भाषा फिर है राष्ट्रीय भाषा राष्ट्रभाषा राजभाषा और लास्ट है हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे सभी को एक एक करके तो फर्स्ट है हमारे हमारे पास मातृभाषा यानी कि सामान्य तो अपने शिशु काल में अपनी माता एवं संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का अनुकरण करके सीखता है उसे उस व्यक्ति की मातृभाषा वो कहलाती है बेसिकली जिसे जो प्रॉपर जो एक बच्चा है वो स्टार्टिंग में अपनी माँ से सीखता है ठीक है उसकी माँ जिस लैंग्वेज का यूज करती है वो उसकी मातृभाषा होगी या फिर उसका आज परिवार के लोग जिस लैंग्वेज कर, प्रयोग करते हैं उसके साथ वार्तालाप करने के लिए तो वो उसकी मातृभाषा होगी परंतु यहाँ पे जो विज्ञान है उससे विज्ञान में इसे क्या बोला जाता है बोली बोला जाता है ठीक है जो भी हमारी माँ द्वारा बोली गई भाषा है वो हमारी मातृभाषा कहलाएगी लेकिन कई ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको कि हम रिटर्न फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो साइंस उसे क्या बोलता है बोली बोलता है उसे वो भाषा नहीं बोलता है उदाहरण हम यहाँ पे देंगे कि ब्रज अवधि खड़ी बोली कन्नौजी आदि ये सभी की सभी अब जो लोग इनसे जुड़े होंगे मतलब जिन लोगों के घरों में ये चीज बोली जाती होगी उन लोगों के लिए तो ये मातृभाषा हुई लेकिन एक साइंस की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये सारी की सारी क्या है बोलियां हैं जिनको भाषा यहाँ पे माना जाता है ठीक है सेकंड है मूल भाषा यानी कि प्राचीन काल में बहुत कम भाषाएं थी कालांतर में एक भाषा ने अनेक भाषाओं को जन्म दिया है भाषा विज्ञान में इस भाषा से निकलने वाली समस्त भाषाओं को मूल भाषा कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पे क्या है संस्कृत जो है वो हमारी मूल भाषा है क्योंकि इससे निकल रही हैं काफ़ी सारी लैंग्वेजेस इससे निकल रही हैं तो प्राकृत प्राकृत निकल रही है कश्मीरी निकल, तो निकल, निकल रही है सिंधी निकल रही है और भी एक्सेट्रा इसमें से और भी लैंग्वेजेस निकलती हैं जो कि संस्कृत से निकली हैं तो यहाँ पे जो संस्कृत है वो हमारी मूल लैंग्वेज होगी या फिर हम इसे रूट लैंग्वेज भी बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे दो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं देखते हैं थर्ड क्या है थर्ड है हमारी संस्कृति भाषा यानी कि जिस भाषा के साहित्य में किसी जाति अथवा राष्ट्र की मूल सभ्यता एवं संस्कृति निहित होती है वह उस जाति अथवा राष्ट्र की संस्कृति भाषा कहलाती है ठीक है किसी भी प्रॉपर पर्टिकुलर किसी जाति द्वारा बोली गई भाषा या फिर किसी राष्ट्र की मूल सभ्यता से रिलेट हो रही है वो जो वो जो लैंग्वेज होती है जो उसकी सभ्यता को बनाए हुए रखे रखी रहती है या फिर उसकी इतिहास से उसका कुछ जो है जुड़ा जुड़े होते हैं कुछ कनेक्शन तो वो जो लैंग्वेज होती है वो होती है हमारी संस्कृति लैंग्वेज ठीक है यहाँ पे जो हम हैं मतलब इंडिया के अंदर हम हैं तो हम जो हिंदू हैं तो हिंदुओं की जो लैंग्वेज है वो संस्कृति लैंग्वेज क्या है संस्कृत है ठीक है संस्कृत तो यहाँ पे संस्कृत जो लैंग्वेज है वो इंडिया में हिंदुओं की संस्कृति लैंग्वेज है नेक्स्ट है राष्ट्रीय भाषा यानी कि सभी राष्ट्र अपनी अलग भाषा का प्रयोग करते हैं इनमें से कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित रखती हैं उन्हें उस राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है ठीक है यहाँ पर राष्ट्र की भाषा की बात हो रही है क्योंकि हर एक इस जो कंट्री होता है उसकी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है ठीक है जो उसकी सभ्यता को बताती है उसकी संस्कृति को बताती है या फिर सुरक्षित रखती है तो वो होती है उस देश की राष्ट्रीय भाषा ठीक है जैसे हमारे देश के अंदर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का प्रयोग होता है ठीक है हर स्टेट की अपनी एक अलग जो है लैंग्वेज है तेलुगु है कन्नड़ है हिंदी है कश्मीरी है है ना असमिया है बंगाली लोग बंगाली बोलते हैं इस तरीके से संस्कृत भी है तो जो हमारे इंडिया में है तो टोटल वो कितनी लैंग्वेजेस हैं अगर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितनी लैंग्वेजेस भारत में है तो ये बाईस भाषाएं हैं है या बाईस लैंग्वेजेस हैं ठीक है ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस जो है ट्वेंटी टू टु लैंग्वेज जो है इंडिया के अंदर बोली जाती है टोटल ठीक है नेक्स्ट है हमारी राष्ट्रभाषा यानी कि संसार प्राय सभी देशों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है इनमें से कुछ भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है अब जो राष्ट्र की भाषा होती है प्रॉपर एक ठीक है मतलब राष्ट्रीय भाषा तो आपके राष्ट्र के अंदर कितनी भी भाषाएं हो सकती हैं लेकिन जो राष्ट्र की भाषा है वो एक वो पर्टिकुलर भाषा होगी ठीक है जिसे पूरे राष्ट्र के द्वारा सहमति दी गई होगी कि ये हमारे राष्ट्र को संबोधित करती है ये लैंग्वेज तो यहाँ पे क्या है कि जो लैंग्वेज होगी वो जो लैंग्वेज होगी वो होगी राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा राष्ट्र एकता का आधार होती है ठीक है इंडिया की अगर बात करें तो हमारे देश में जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है ठीक है जिसे 14 सितंबर को घोषित करा गया था 1949 को ठीक है केंद्र सरकार द्वारा कि ये जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा है नेक्स्ट है राजभाषा जिस भाषा का प्रयोग किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है उसे उस राज्य की राजभाषा अथवा शासकीय भाषा कहते हैं प्रायः सभी राज्यों में जनभाषा को ही राजभाषा बनाया गया है ठीक है यहाँ पे क्या है कि जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज uh, में आपके सारे के सारे प्रशासनिक कार्य होते हैं ठीक है ठीके? मतलब ऑफिशियल वर्क जितने भी हैं वो होता है तो वो होती है हमारी राजभाषा ठीक है अब क्या है कि इंडिया के अंदर हिंदी को वैसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है ठीक है कि मतलब जे जितने भी ऑफिशियल वर्क होंगे वो हिंदी में होंगे लेकिन हिंदी में होंगे ये चीज़ बोली तो गई है लेकिन इसके साथ साथ एक और लैंग्वेज है जिसे रखा गया है वो होती है वो है यहाँ पर सहभाषा या फिर सहराज भाषा भी बोल सकते हो आप उसे सहभाषा क्या है अंग्रेजी है ठीक है क्योंकि ऑफिशियल वर्क जो है हमारे इंग्लिश में भी होते हैं तो यहाँ पे जो है हमारी सहर राज, सहर जो है उसके साथ वो इंग्लिश है ठीक है? लास्ट जो हमारे पास है वो है अंतरराष्ट्रीय भाषा यानी कि जिस भाषा के माध्यम से संसार के विभिन्न राष्ट्र विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं जहां पे दो कंट्रीज आपस में जो है कम्युनिकेट uh, करने के लिए जिस लैंग्वेज का कर यूज करते हैं वो जो होती है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाती है यानी कि अंतरराष्ट्रीय भाषा वो कहलाती है ठीक है तो आई होप गाइस कि आपको हमारा इंड वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें करें शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें